नमस्कार। आज हमारे साथ हैं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ राजीव सिंघी जी। राजीव सिंघी जी हमको बताएंगे आगामी बजट के बारे में। सर, एक जो सबसे बड़ा मुद्दा जो देश में है, बल्कि ये कह रहे हैं कि दुनिया में भी है, महंगाई, तो इसके लिए सरकार आने वाले बजट में क्या कर सकती है? सरकार ये जरूर है कि सचेत है इस और महंगाई दर अभी करीब करीब 6% का इन्फ्लेशन रेट है हिंदुस्तान में भी, पर उसकी तुलना में अन्य देशों में बहुत अधिक बढ़ा है। सरकार ने जो किया वो बहुत है महंगाई को रोकने के लिए। जैसे हम एनर्जी के सेक्टर में या पेट्रोल के सेक्टर में बात करते हैं, युद्ध के दौरान भी रशिया से उचित दाम पर तेल खरीदा गया, उससे महंगाई पूरी तरह से तो नहीं रुकी, पर जो हो सकता था दूसरे देशों में जो हुआ भी है, जहाँ इन्फ्लेशन रेट बढ़ गई है 12 से 15%, जहाँ पर नॉर्म सामान्यतः 0.5% इन्फ्लेशन रेट रहती थी या 1% मैक्सिमम रहती थी, विशेषकर यूरोप के देशों में, विशेषकर अमेरिका के देशों में, उन्होंने बीते वर्ष में विशेषकर रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद 10-12-15% जो यूरोप के देशों में उन्होंने देखी है, और एक तरह से वहाँ त्राही त्राही मच गई है। और यूरोप जो इंग्लैंड जिसको एक बहुत बड़ा देश है, एक साम्राज्यवादी देश रहा है यूरोप का, वहाँ तो जो मॉल्स में बताते हैं वो सिक्योरिटी गार्ड रखने पड़ रहे हैं ब्रेड और बटर के पीछे, वहाँ चोरी चकारी और अन्य घटनाएं भी बढ़ने लग गई है इसी कारण, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई और जो ऊर्जा की खपत भी ज़्यादा है, उसकी कीमतें भी ज़्यादा लग रही हैं, और जो खाद्य पदार्थ है उसमें भी इन्फ्लेशन के कारण विकसित देशों में बहुत परेशानी हो रही। उसकी तुलना में भारत में एक बात बहुत अच्छी रही, मानसून भी अच्छा रहा, खाद्य की उपज भी अच्छी रही, तो इन्फ्लेशन उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ सकता था, पर इसको भी इसको भी उचित करना चाहिए। इसके लिए सरकार ने वैसे भी प्रयत्न किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में जब ग्रोथ होती है तो इन्फ्लेशन मेंटेन रहता है कि सामग्रियां जिनकी जरूरत जहां पर है वो पहुंचती जाती है। एक इक्विलिब्रियम बनता है जिसके अंदर महंगाई अपने आप यदि घटे नहीं तो भी अनुचित रूप से बढ़ती नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। सर, एक चीज और देखने में आ रही है कि पूरी दुनिया में ऐसा कहने में आ रहा है कि भाई आर्थिक मंदी की जो आहट महसूस की जा रही है, भाई हमारी सरकार ने कहीं ना कहीं ये आश्वस्त किया है कि भाई भारत में जो है आर्थिक मंदी नहीं आएगी, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? हाँ, ये जो सरकार ने किया इसके पीछे ठोस चिंतन भी है, और वो चिंतन के कारण ठोस कारण भी किए गए हैं। उसमें सरकार का दृष्टिकोण ये रहा है कि जो हमारे मध्यम उद्योग है उनको बढ़ावा दे, जो जगह जगह पर छोटी छोटी जगहों पर विशेष रूप से स्थानीय रोजगार पैदा करते हैं, तो लोगों को स्किल किया गया, दक्ष किया गया, सरकार ने उसमें काफ़ी पैसा खर्च किया है, और उनको ऐसे प्रावधान भी बनाए गए हैं कि उनको इंसेंटिव मिले, अच्छी बिजली मिले, उनको व्यवस्था अच्छी मिले, उनका जो सामग्री बनाई गई है उसका भी बिकवाली अच्छी तरह से हो। तो ये एक वाइड स्प्रेड या मतलब काफ़ी जगह पे छोटे छोटे करके काफ़ी काम सरकार ने किए हैं जिससे रोजगार अंदर ही अंदर जब पैदा हो, ये भारत सरकार की अभी की दृष्टि में एक विशेषता रही है। सर, वेबुनिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।